हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, ये एक ऐसी वीडियो है जो आप सभी के लिए है। मोस्टली आप सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, और एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करने वाले के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एंड्रॉयड में यार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा चलाते हैं तो बैटरी का जो चाहिए हमें वो ज़्यादा जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखो, पहले प्रॉब्लम क्या होती थी, पहले फोन लोगों के फोन में बैलेंस नहीं होता था या फिर डाटा नहीं होता था, तो बैटरी सबकी चल जाती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, गेम से लेके लेखो या गाने को लेके लेखो या फिर वीडियो को लेके देखो, तो सब चीज़ों में बैटरी लगनी लगनी है। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है, बैटरी की प्रॉब्लम आती है। लोग मोस्टली घूमने निकल जाते हैं और वहाँ पे बैटरी की प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, क्योंकि जब हम जाते हैं वहाँ पे और हमें दिखता है कि हाँ बैटरी खत्म हो गई है, या हम शाम कहीं बैठे हुए मीटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे बैटरी की प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं तो मोस्टली अपने इंडिया में करीब करीब 10 करोड़ स्मार्टफोन होंगे ही होंगे, कम से कम इतने तो होंगे, क्योंकि 10 करोड़ एमआई ने बोला है अभी कि उन्होंने 10 करोड़ फोन सेल कर दिए हैं। अगर एमआई ने इंडिया में 10 करोड़ फोन सेल कर दिए हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि 10 करोड़ अगर एमआई सेल कर चुका है, तो फिर सैमसंग के कितने होंगे, रियलमी के कितने होंगे, ऑनर के कितने होंगे, और आईफोन वालों के डिफरेंट ही क्राइटेरिया है। तो मेन चीज़ क्या है, आज की जो वीडियो है वो है पावर बैंक के ऊपर। और हम जो पावर बैंक ले लेते हैं जगह जगह से कहीं से भी, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि पावर बैंक हमें कौन से लेने हैं, कैसे लेने हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हम अर्जेंट बेसिस पे पावर बैंक ले तो लेते हैं कि हमें जल्दी में लेना जल्दी है में लेते हैं। और मोस्टली यार देखो, हम जो पावर बैंक खरीदते हैं कहाँ पे खरीदते हैं, कभी हम ट्रैवलिंग करने जाते हैं, बस स्टैंड पे खरीद लिया, या हमने रेलवे स्टेशन पे खरीद लिया, या मेट्रो स्टेशन पे खरीद लिया, जहाँ पे हम डेली नहीं जाते वहीं पे हम पावर बैंक खरीदते हैं मोस्टली। या हम कभी कभार होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, ऑनलाइन ऑर्डर हम बहुत रेयरली करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, टाइम लगता है। हाँ, और मेन चीज का ये जो पावर बैंक लेते हैं हम, और ये हम लेते हैं इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में ही हमें ठगा जाता है। तो ये आज की जो वीडियो है वो उसी चीज से बनाई जा रही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम मार्केट से जो पावर बैंक उठाते हैं, चाहे ये एमआई का पावर बैंक देख लो, या फिर आप ये वीवो का लिया था, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही लिया था, और इस पे देख लो आप कितना लिखा हुआ है, 32,500 mAh, और ये लग रहा है आपको 10,400 mAh पावर का पावर बैंक है ये। और मुझे नहीं लगता कि इसमें 10,400 mAh का कुछ क्राइटेरिया भी होगा। वेट तो इसमें है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें 10,400 mAh की पावर होगी, और इसमें 32,500 mAh यार, क्योंकि अगर मैं बात करूं सैमसंग के जो 3,000 mAh के फ़ोन होते हैं, 3,000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन, उनके लिए 10 बार फ़ोन चार्ज करना मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जिस हिसाब से इसमें दिख रहा है मुझे, इसमें बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो लाइटें दिख रही हैं, यहाँ पे 3-4 डंडे दिख रहे हैं, यानी चार्ज तो फुल दिख रहा है ये। और मुझे, क्योंकि मैंने इस पर एक बार चार्ज करके देखा इन्होंने जब लिया था, तो मेरे को एक बार भी फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैंने इनका सोचा कि आज आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ कि इनकी अंदर की हिस्ट्री क्या है, और एक्चुअल में होता क्या है पावर बैंक के अंदर। ये हमारा पेचकस है भाई, और इसका हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं आज। आज देखी जाएगी क्या है, क्या इसके अंदर देखते हैं भाई, कहाँ से निकलेगा। तो भाई ये खोल दिया है मैंने, ये ऐसे खुलता है, ये देख लो भाई, ये ऐसे खुला, और ये अंदर से भाई इसमें चार बैटरियां लगी हुई हैं, चार, यानी चार बैटरी का मतलब है कि एक बैटरी कम से कम 2,500 mAh की होगी, क्योंकि जैसा 3,400 mAh, 2,600 mAh की बैटरी दिखाई, 10,000 दिखाया, तो हाँ 2,600 mAh की एक बैटरी है। अब 2,600 mAh की बैटरी में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, इसका कनेक्शन, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इसको देखा है, ये बैटरी बहुत पुरानी लग रही है, तो ये देखो ये अलग है, इसमें है ही नहीं कुछ, ये बैटरी अलग है, ये बैटरी अलग है। अब आप जी देखो, ये तीन बैटरियां जो है वो इसमें इनबिल्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लगी हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए लगी हैं, सिर्फ एक बैटरी से कनेक्टिविटी दी हुई है, जो क्योंकि आपको एट द मोमेंट फ़ोन चार्ज करने के लिए 1-2%, 5% तक बैटरी आपकी बढ़ती है, तो आपको लगता है कि हाँ पावर बैंक चार्ज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में चार्ज नहीं हो रहा होता है। ये थोड़ी देर तक तो काम करता है, थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाता है, आपका फ़ोन 10-15-20-25% तक चार्ज होता है एक बैटरी से, और उसके बाद काम खत्म। ये तो एक्चुअलिटी है भाई देखो, कि अगर आप एक बैटरी से फ़ोन चार्ज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना है। और ये मार्केट में 300 से लेके 400, 500, 600 जिस हिसाब से कस्टमर मिल जाए उस हिसाब से बेच देते हैं। कई जगह आपको 100-150 रुपये में मिल जाएंगे, जैसे दिल्ली में सीपी में आप घूमोगे तो सीपी में आपको 150 रुपये में मिल जाएगा, 100 रुपये मिल जाएगा। आप चांदनी चौक जाओगे या आप सदर जाते हो, वहाँ पे और सस्ते मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन के पास यही आपको 200-250-300 में करके बेचेंगे।
तो ये थी भाई आपको जो MI कंपनी के नाम पे बेच रहे हैं, ठीक है, इस पे MI लिखा हुआ है और कहीं भी कुछ भी नहीं है, इसे कंपनी नहीं देती है, ये वेस्ट है भाई। आप देख रहे हैं ये अलग है बिल्कुल, तीन बैटरियां सबसे मेन चीज, तीन बैटरियां किसी काम की नहीं है, सिर्फ ये एक चल रही है, एक कनेक्ट है और एक बैटरी से आपको पता है आपका कितना फोन चार्ज होगा और सिर्फ आपका फोन थोड़ी देर के लिए चार्ज होगा और उसके बाद आपके लिए पूरा पैसा वेस्ट गया। ठीक है, ये तो थी इस पावर बैंक की कहानी, ठीक है, जो किसी ने खरीदा, मेरे दोस्त ने, मैंने उनसे लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीवो की जो 32,500 mAh का पावर बैंक। भाई 32,500 mAh लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लो और जगह जगह आपको बेचते हुए मिल जाएंगे, तो आप लोग जो खरीद तो लेते हो ना, लेकिन आपको देखना है कि खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। अब मैं इसका ही पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, इसमें जगह देखते हैं भाई, ये मैं सोच रहा कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ, बस दिल कर रहा है खोलने का क्योंकि चल तो रहा नहीं, चल तो रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी असल में क्या है वो तो अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है वो देखनी है मुझे। तो भाई ये तो यार समझ ही नहीं आ रहा है भाई, ये क्या है ये, भाई मैं क्या बोलूं, अब आप लोग खुद देख सकते हो इसका। मैं क्लोज लुक आपको दिखाऊंगा, मैं अभी बाद में इसका शॉट दिखा दूंगा, मैंने आपके सामने ये कर दिया है और इसको मैं तोड़ के हटा ही रहा हूं। ये अंदर देख लो यार, आप लोग देखोगे ना इसे, तो मैं इसे खुरचने जा रहा हूँ, ठीक है। ये छोटी सी बैटरी लगाई होती है जो खराब बैटरी होती है, आप भी देख लो इसे, ये छोटी सी बैटरी लगी है और बैटरी को किसे चिपका हुआ, मट्टी से ऊपर, मट्टी के ऊपर लगा के और बैटरी को चिपका दिया है। ये एक प्लेट लगाते हैं छोटी सी और उसमें तीन चार लाइटें जली होती हैं, मैं इसको तोड़ ही देता हूँ यार, ठीक है। अब ये देख लो, ये सीन है इस बैटरी का और ये बैटरी मैं इसकी निकाल रहा हूँ, ठीक है, और इस बैटरी के पीछे आप ये देख लो यार, ये इससे चिपकाया होता है और ये मट्टी लगी हुई है इसमें, मट्टी और जो ग्लू सी आती है मट्टी टाइप की होती है और ये सिर्फ और सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक छोटी सी बैटरी लगाई होती है जो आपको चांदनी चौक में और इधर सदर में आपको जो रोड़ी पटरी पे मार्केट लगती है उन पटरियों की मार्केट या कोई पुरानी बैटरी होती है उसे उठा के इसमें कनेक्ट करके लगा दिया गया है और उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेकार है, सिर्फ ये बैटरी लगी हुई है और इसके बाद इसमें मट्टी भर दी गई है, आप ये मट्टी देख सकते हो और ऊपर से यार हैवी वेट के लिए ये मट्टी, आप इसको देख के तो कैसे अज्यूम कर सकते हो, बाहर से ये बिल्कुल ब्रांड न्यू दिखता है नया और इस पे नाम लिख दिया वीवो का। अब वीवो कंपनी वालों का नाम तो बदनाम हो गया कि वीवो के पावर बैंक खराब आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो पावर बैंक बनते कहाँ पे है, ये क्योंकि डुप्लीकेसी हो रही है मार्केट में और डुप्लीकेसी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि अगर 10 करोड़ लोगों के पास फोन है तो अगर मैं कहता हूँ 10 करोड़ लोग भी से अगर खरीदते हैं पावर बैंक को, ऐसे पावर बैंक को 10 में से मैं कहता हूँ 10 करोड़ भी नहीं खरीदते यार, 5 करोड़ लोग खरीदते हैं ऐसे पावर बैंकों को, ठीक है, क्योंकि तो ये जो खरीदते हैं लोगों से बता देता हूँ कौन कौन से लोग होते हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो खरीदते ही नहीं क्योंकि उनके पास चार्जिंग स्लॉट और जो वो ऐसी जगह जाते नहीं है और जहाँ जाते हैं तो उनके पास अच्छे पावर बैंक होते हैं और स्लॉट अवेलेबल होते हैं गाड़ी में जहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वही ऐसी चीज़ें खरीदती है मोस्टली, और मिडिल क्लास फैमिली आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा है आज के डेट में, क्या होता है जो मिडिल क्लास से थोड़े से नीचे हैं वो भी ऐसे खरीद लेते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है ट्रैवलिंग पे जाने के लिए या जो यंग जनरेशन है या थोड़े से रेट भी कम मिल जाता है, हाँ, अर्जेंसी में खरीद लेते हैं और अर्जेंसी में खरीदने का क्राइटेरिया आप लोगों के सामने है यार, आप लोग देख सकते हो इसे कि एक्चुअल में क्या है, सिर्फ ये बैटरी और यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे तीन स्लॉट लगाए हुए हैं इसमें और यहाँ पे एक वो एक LED लाइट लगाई होती है यहाँ पे और वो ताकि हल्की सी जलती रहे और जलने के बाद ताकि दिखती रहे कि हाँ बैटरी फुल है इसमें, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को ये देख लो, ये आपका पुराना जो मोबाइल होता था छोटे वाला कीपैड वाला उतनी उसकी बैटरी भी इससे ज्यादा होती है यार, 1500 mAh की बैटरी सिर्फ, ऐसे 1500 mAh की बैटरी लगी हुई है और आपको 32,500 mAh दिखाया गया है और ये इसको बेच देंगे, इसको बेच देंगे आपको 200 रुपए से लेके शुरू करते हैं 500, 600, 700 डिपेंड ऑन सिचुएशन, यानी कि आपकी सिचुएशन देख के बेच देते हैं वो आपको, डिपेंड करता है बार्गेनिंग, आपसे बोलेंगे 500 रुपए का नया है और ये है वो है कंपनी का ब्रांड न्यू कंपनी का यार, मैं तो सोच के आ रहा हूँ कंपनी का यार, वीवो कंपनी का आप लोग देख लो यार,
ऐसे लिखा होता है इसे, और इसके बाद मेरे को तो यार मट्टी देख कर ना इसके अंदर की इतनी खुंदक आती है कि आप लोगों को क्या बोलूँ मैं। और मार्केट में बिक रही हैं ये चीज़ें और लोग ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि पावर बैंक खरीदने से पहले, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, हम कोई भी पावर बैंक खरीदते हैं तो हम उसी टाइम चेक करते हैं उसे कि 1% 2% 1% 2% बैटरी आगे बढ़ाता तो वो बेच के चला जाता है, ठीक है, और वो आपको दोबारा नहीं मिलना, एक्चुअली ये होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पैसे तो चले गए। अगर मैं बात करूँ, कैलकुलेशन लगाते हैं थोड़ी सी, अगर 500 लोग 200-200 रुपए का भी खरीदे हैं तब भी अंदाजा लगा सकते हो कितना भाई, कितना 1000 करोड़, कितना मतलब वो है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और भाई इस पे इतनी सी बैटरी लगा के, पोस्ट लगी होगी ना, मैं कहता हूँ मुश्किल से मुश्किल 2500 रुपए भी नहीं लगे, क्योंकि बैटरी खराब है, मट्टी लगा रखी है, और ये जैक वैक है सब पुराने पुराने उठाए हुए कहीं से, और ये बहुत सस्ते आते हैं यार, ये जो USB पोर्ट है ये बहुत सस्ते आते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से तो यार मैं कहता हूँ कि कोई फायदा नहीं है ऐसे पावर बैंक खरीदने का। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो अच्छी कंपनी का पावर बैंक लो, और मैं तो कहता हूँ कि या तो अच्छे दुकानदारों से लो, से लो या ऑथराइज्ड डीलर हो गई, ऑथराइज्ड डीलर हो जहाँ पे आप वापस कर सको। क्योंकि मेन चीज क्या होता है कि अगर आप जैसे फ्लिपकार्ट ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हो, तो ऑनलाइन लेने के बाद अगर आपको पावर बैंक जब भी लो तो उसे पूरी तरह से यूज करके देखो, अगर वो प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है और एक्सपेक्टेशन जो उस पर लिखा हुआ है वो चीज डिलीवर नहीं कर रहा है तो उस चीज को वापस कर दो यार। क्योंकि मेन चीज क्या है कि आप लोगों ने ले तो लिया और पैसा आपके काम के लिए नहीं है, तो फायदा क्या है ऐसे काम का। तो ऐसी चीज़ें लेने से परहेज कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, पैसे बर्बाद हैं। और यार मेरे को तो एक चीज़ समझ में आई कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों को ऐसे ही ठगा जाता है, और ऐसे ही ठग ठग के ना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं लोग, क्योंकि जो ये फ्रॉड कर रहे हैं आज के डेट में, लोगों को फ्रॉड करने के नए नए तरीके मिल जाते हैं यार। लोगों को उनको पता है कि आज की डेट में नई चीज़ें क्या स्टार्ट हो रही हैं, नई चीज़ें ये स्टार्ट हो रही हैं, ये 4 बैटरी लगा के 1 बैटरी से कनेक्टिविटी, इसमें छोटी सी बैटरी लगा के मट्टी ठूस देना यार, मट्टी ठूस के इतना बढ़ा देना, ये तो मेरे को साफ दिख रहा है, आपको खुरच के दिखा दूं मैं ये खुरच के, यार ये देखो आप लोगों को ये मट्टी है ये बिल्कुल यार, ये मैं हाथ में लेके दिखा रहा हूँ, देखो मट्टी ग्लू लगा के पता नहीं क्या बनाया है यार इन्होंने, तो मट्टी ये जो शीशों में लगती है ना आपकी, शीशे फिट करने के लिए वो वाली होती है जो कोई वो वही है भाई इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। और मेरा तो सही में आज विश्वास उठ गया लोगों से ऊपर से, यानी कि आप कोई भी चीज खरीदो तो आपको इन, मैं तो भाई के लिए सोच के बैठा हूँ कि भाई ने ली और लेने के बाद इनके साथ ऐसा हुआ कि इन्होंने, आपने कितने का लिया, 200 का लिया 300 का, कितने का लिया था? ये 300 का दिया था उसने, अब उस टाइम 300 का दिया, अर्जेंसी में उन्होंने ले लिया क्योंकि इनका फ़ोन बंद हो गया था, और बंद होने के बाद इनको कॉल वॉल करनी होगी, अब 300 रुपये की एक कॉल पड़े तो आपको यार तो महंगी पड़ती है, बजट से महंगी है। और यार कॉल की बात नहीं है, मेन चीज़ क्या है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि आप ने जो चीज़ ली है क्या उसकी वर्थ आपके लिए यूटिलाइज हुई या नहीं हुई, पैसे वसूल वाले चीज़ है, मतलब पैसे आपने 300 तो लगा दिए इस पे, और 300 रुपये की चीज़ भी होनी चाहिए। तो वीडियो को यार ज़्यादा लंबा ना करते हुए मेरा तो एक, मैं आपको एक निष्कर्ष जो मैंने आपके लिए इसलिए वीडियो बनाई है, इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि एक्चुअल में आप लोग जो लेते हो मार्केट में क्या है, आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देख के आपको पता लग गया होगा कि ये पावर बैंक जो मार्केट में बिक रहे हैं पटरियों के किनारे या स्टेशनों के बाहर या बस स्टैंड पे, क्योंकि जितने भी आपको घूमने फिरने वाले बेचने वाले मिलेंगे या दुकानदार होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मार्जिन पे काम करते हैं, ठीक है, उनके पास ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे आप, हाँ, और उसका कोई प्रॉफिट नहीं है यार, ये आपके लिए जीरो है एक तरह से। और अगर आप पैसे वेस्ट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी यार, अनाथालय में दान दिया हो,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें खरीदो मत यार, क्योंकि देखो मेन चीज क्या है कि कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी होता है बाद में कि यार ये पावर बैंक काम नहीं कर रहा, फिर आपके माइंड में मेंटेलिटी क्या आती है कि कंपनी खराब है, कंपनी वालों ने बेकार प्रोडक्ट निकाले हैं, कंपनी वालों ने बेकार प्रोडक्ट निकाले, ये कहीं ना कहीं कॉपीड आइटम है और ये कॉपी होके बिक रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पायरेसी हो रही है, क्योंकि एक्चुअली तो है नहीं इसमें, सॉरी क्योंकि इसमें एक्चुअलिटी तो है नहीं, और जो चीज है वो आपके सामने है। तो अब वो आपको डिपेंड करता है कि आप लोग क्या ये पावर बैंक लेना चाहते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो भाई खरीदो, मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों ने देखना था, आप लोग देखो इस वीडियो को, आप लोग समझ जाते हो, आप लोग समझ जाते हो तो ठीक है, नहीं समझते तो यार आप लोगों की मर्जी है। बाकी मैं तो चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि सभी को पता लग सके कि एक्चुअल में पावर बैंक के अंदर होता क्या है, आता क्या है, यानी किसमें चार बैटरी की जगह एक बैटरी से कनेक्टिविटी है, इसमें एक छोटी सी बैटरी लगा कर, ये छोटी सी बैटरी लगाई ये वाली, और इसमें ये मट्टी ढूंस दी है यार, मट्टी, मैं तो सोच के हैरान हूँ मट्टी लगा दी है, आप कुछ और लगा देते यार, कम से कम बंदा बेच देता, मट्टी कहाँ बेचेगा यार, प्लास्टिक भी बिक जाता कम से कम, प्लास्टिक लोहा लगा देते यार, मट्टी ढूंस दी, अब इस मट्टी का क्या करेगा आदमी, भाई मट्टी है, मट्टी मिलाना तो मट्टी मिलाओ यार, वही वाली बात होगी, पैसे तो मट्टी है, तो वही चीज कर दी उन्होंने। तो यार मतलब ऐसी चीज़ें आप जो भी स्टेशनों पे लेने से परहेज़ करें, मतलब ऑथराइज डीलर या प्रॉपर शोरूम से लें, या तो ऑनलाइन मंगवाएं, उसको पहले यूज़ करें पूरा, कि आपका जैसे चार फोन चार्जिंग कर रहे हैं ये चार्ज कि नहीं कर रहे हैं, वो देखें पहले पूरा एक बार चार्ज करके, और एक बार इसको पूरा चार्ज करो और इसको पूरा यूज़ करो उसके बाद पता लग जाएगा कि एक्चुअल में ये आपको बैकअप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि आप को अगली बार कहीं पर जाना हो, आपको इमरजेंसी हो, आप एक्सपेक्ट कर लो कि हाँ मेरे को दो या तीन बार चार्ज कर देगा ये फ़ोन, इतनी एमएच की बैटरी है, तो मेन चीज़ के वहाँ पे आप लोगों के साथ धोखा होता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है वहाँ पे, और साथ के साथ यार ये तो सबसे बड़ा धोखा है जो आपने अपने आंखों के सामने देखा है, उसके बाद तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इनका पोस्टमार्टम तक करके बता दिया है, और एक्चुअली इनकी सच्चाई बता दी है कि मार्केट में आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को पता लग सके कि इन पावर बैंक के अंदर क्या होता है। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके साथ ऐसी कितनी बार ये घटना हो चुकी है कि आपने ऐसे पावर बैंक खरीदे हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यार वीडियो ये शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ये चीज़ें मतलब खरीदते हैं ऐसे जगह से, वो ना खरीदें तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा आप अपने अंकल आंटी दादा दादी नाना नानी इन लोगों के पास ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इन्हीं लोगों को ज़्यादा ठगा जाता है, और यंग जनरेशन जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको, क्योंकि जिनको इमरजेंसी चाहिए होती है उनके लिए, क्योंकि आपको जिनको भी लगता है कि हाँ जो लोग पावर बैंक खरीदना चाहते हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको पता लग सके कि ये वीडियो उनके लिए कितनी कारगर हो सकती है। और यार मैं तो बोलूँगा कंपनी वालों के पास भी पहुँचनी चाहिए ये वीडियो, ताकि कंपनी वाले कुछ एक्शन ले ये फेक प्रोडक्ट्स बनाने वालों के खिलाफ। हाँ, क्योंकि यार ये वीवो का नाम तो खराब हो रहा है, क्योंकि वीवो के फोन इतने अच्छे आते हैं, उनके फोनों की हमने क्वालिटी देखी है, वीवो एमआई सभी का नाम खराब हो रहा है। तो मेन चीज क्या होता है यार, कहीं ना कहीं सैमसंग भी लिख देते हैं किसी किसी पे, तो कुछ कह नहीं सकते, इनका तो यार देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो फेस आम इंसान को करनी पड़ती है। तो यार बाकी चाकी चीज छोड़ो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे, वीडियो को लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।